मुरादाबाद में गुरुवार रात पेट्रोल पंप पर हुई लूट में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बंदूक की नोक पर डिलारी थाना क्षेत्र के अजान पेट्रोल पंप से 73,000 रुपए और एक डबल बैरल बंदूक लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। रात 12:03 पर कुछ लोग पंप पर आए मेरे और उन्होंने लाइट ट्रिपिंग हो गई थी और लाइट ट्रिपिंग होने के बाद फोटेज सारी बंद हो गई। उन्होंने मेरे सेलमैन को गार्ड को कब्जे में कर लिया और उन्होंने जो है क्या कहते हैं मेरा कुछ कैश लूटा। और मेरी कंपनी ने अभी 8-10 दिन पहले मेरे पंप पर ऑटोमेशन लगवाया था तो वो ऑटोमेशन का सारा सामान उखेड़ के ले गए। जांच में पुलिस को पता चला है कि घटना में जो सफ़ेद गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उस पर मेरठ का नंबर पड़ा था। इस वजह से पुलिस की टीमों ने मेरठ का रुख कर लिया है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही मामले का खुलासा कर देंगे। जलालपुर के पास में पेट्रोल पंप पे रात्रि में लगभग 12:15 बजे पेट्रोल पंप की बिजली कटी और वहाँ कुछ लोग एक गाड़ी से आए। उसके बाद उन्होंने गन पॉइंट पर 73,000 रुपये और एक SPBL गन वहाँ से लूट कर ले गए। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, छानबीन की कार्यवाही जारी है, शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। बदमाशों ने बड़ी ही चालाकी से पेट्रोल पंप की बिजली जाने का फायदा उठाया था। लाइट जाते ही बंदूक की नोक पर लूट के बाद बदमाश फरार हो गए थे। मेरे ठेकेदार को जब लाइट भागी है तो मेरे ठेकेदार को ये एहसास हुआ कि यहाँ पंप पर शराबी आ गए हैं और सेलमैनों को तंग कर रहे हैं। वो भाग के मेरे पास गया, बोले भाई साहब उठो, चूंकि मैं गांव का प्रधान भी रहा हूँ जटपुरे का, तो बोले प्रधान जी जल्दी उठो, पेट्रोल पंप पर जो है शराबी आ गए और सेलमैनों को तंग कर रहे हैं। तो जब मैं कमरे से उठ के बाहर आया हूँ तो मैंने देखा पंप पर जो है लाइट नहीं थी। मैं फिर अपने कमरे में गया, मैंने वहाँ से लाठी उठाई और एक टॉर्च उठाई और मैं उनसे बोला मैंने जल्दी आओ भागो, इन्हें देखें कौन है ये लोग। जब तक हम पंप पर आए हैं तब तक वो गाड़ी लेके भाग गए। इस लूट में डिलारी के एक शातिर बदमाश का नाम भी सामने आया है। पुलिस के शक की सुई जिले के उन शातिर बदमाशों के आसपास भी भटक रही है जो कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे हैं। अब पुलिस बदमाशों को पकड़ने की जीतोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब लूट की वारदात हो रही थी तब पुलिस की गश्त कहाँ चल रही थी। सागर रस्तोगी, मुरादाबाद, जर्मन टीवी।